Hi, in this video I'll be taking algebra of vector. So this is video number 3 for vector. Algebra of vectors. तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम दैट इज अगर कोई वेक्टर को मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब इफ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर. इसमें क्या है, मतलब जैसे मैंने कोई वेक्टर है, मेरे पास वेक्टर ए है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर मुझे जो ऑब्टेन होगा दैट विल बी 2a वेक्टर, ठीक है. बी वेक्टर है, मैंने उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो आई विल गेट बी वेक्टर अपॉन 2, ठीक है. सी वेक्टर है, उसमें मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन आई विल गेट 3/2 सी वेक्टर, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने एक वेक्टर, कोई भी वेक्टर है मेरे पास, उसको मैंने किसी स्केलर, स्केलर मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. जैसे यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है वेक्टर को, 1/2 से, 3/2 से, इस तरीके से. तो वेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है. तो मैं इसमें 2 केस ले रहा हूँ, ठीक है. मैंने यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया बाई पॉजिटिव नंबर एक केस में, तो और एक केस में मैंने मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव नंबर, ठीक है. तो 2 केस मैं ले रहा हूँ, एक बार तो मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. इस केस में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चेंज्ड बट डायरेक्शन डज नॉट चेंज, ठीक है. क्या मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक वेक्टर ए है मेरे पास इस तरीके से, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट डज इट मीन कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैग्नीट्यूड जो वेक्टर का होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब दिस विल बी आवर 2a वेक्टर. आ गया बात समझ में. अच्छा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है. जैसे अगर मैंने इसी ए वेक्टर को अगर 3a से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो मुझे जो वेक्टर मिलता वो कौन सा वेक्टर मिलता, 3a वेक्टर मिलता, और इसका ये 3 टाइम्स हो जाता मैग्नीट्यूड, ठीक है. मतलब लेंथ जो है इस लाइन की वो 3 टाइम्स हो जाती, ठीक है. क्या चलो, अगर सेम मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड विल चेंज, ठीक है, मैग्नीट्यूड विल चेंज एंड डायरेक्शन विल रिवर्स, मतलब डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी आपकी, ठीक है. इसका अगर एग्जांपल मैं कंसीडर करूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास वेक्टर ए है, ठीक है, इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आई गेट -2 ए वैक्टर. तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. आ गया बात समझ में, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूँ इस तरीके से कुछ, इफ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय के पॉजिटिव, ठीक है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बिकम के टाइम्स बट इट्स डायरेक्शन विल बी सेम, ठीक है. और अगर मैंने इसी में एक और पॉइंट लिख लिया, इफ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाई के नेगेटिव, ठीक है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बिकम के टाइम्स बट डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड, ठीक है. क्या ये बात समझ में आ गई. तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि मैंने अगर किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ इसी में, सेकेंडली